नगर निगम में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर विकास के एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। सिटी टू योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। 200 करोड़ रुपयों की इस योजना में 20% राशि नगर निगम जबलपुर द्वारा लगाई जाएगी। मेयर इन काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक महापौर कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें शहर विकास के लिए एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बड़ी योजनाओं के लिए कंसल्टेंट कंपनी नियुक्त की जाएगी जो नगर निगम की जमीनों पर निर्माण की प्लानिंग करेगी। बैठक में उस प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया जिसके मुताबिक शहर में 500 डेली नीड्स के बूथ रखे जाना है। सारी नालियाँ उसमें जो बीट प्लान मैंने बोला इसलिए बोला था बीट प्लान डिस्कशन करते हैं। बीट प्लान हमने बना दिया, ये नाली 7 दिन में होना चाहिए, ये 1 महीने में होना चाहिए, 3 में 2 बार होना चाहिए, नाला 1 बार होना चाहिए। जो रीडेंसिफिकेशन की प्रक्रिया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके तहत हम लोग भी एक कंसल्टेंट हायर करने के लिए हम लोगों ने आज टेंडर आज MIC से पारित किया। बहुत जल्द टेंडर होगा। टेंडर आने के बाद हमारे जो कंसल्टेंट आएंगे वो प्रोजेक्ट बनाएंगे कि किस ज़मीन पर कहाँ किस तरीके से क्या बनाया जाना चाहिए, नगर निगम की ज़मीनों का उपयोग किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम लोग स्कूल को स्मार्ट स्कूल बिल्डिंग्स बना पाएंगे, किस तरीके से इस जबलपुर में स्टेडियम बनाया जा सके, वो सारा कुछ इसके तहत ही तय होगा जब हमारे कंसल्टेंट आएंगे। तो उसकी आज स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बहुत जल्द टेंडर होगा और कंसल्टेंट आके और बाकी प्रक्रिया शुरू होगी। मेयर इन काउंसिल ने नगर निगम के 4 अधिकारियों को एक्सटेंशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर राज्य शासन को भेजने के लिए मंजूरी प्रदान की है।